नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत जहां कोई वापसी नहीं के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, अमझर से आप क्या समझते हैं, अमझर गांव में सूनापन क्यों है? उत्तर है, अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अम, जिसका अर्थ होता है आम, और दूसरा शब्द है झर, यानी उनका झरना। आम के झरने से बना है अमझर। अमझर गांव में सूनापन इसलिए है क्योंकि अमरेली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नया गांव के बहुत से गांवों को नष्ट कर दिए जाने की घोषणा कर दी गई थी। तभी से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया था। मानो प्रकृति भी इस घोषणा से नाराज हो गई थी। और अब दूसरा प्रश्न है, आधुनिकता के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? इसका उत्तर है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी ऐसे हजारों गांव के उन लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगीकरण के लिए अपना गांव ही त्याग देना पड़ा। आधुनिक विकास के लिए उन्हें अपने घर, खेत, खलिहान, पैतृक जमीन आदि सभी कुछ छोड़ना पड़ा। और अब प्रश्न तीसरा, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण विस्थापन में क्या अंतर है? उत्तर है, प्रकृति के कारण होने वाला विस्थापन और औद्योगीकरण के कारण होने वाले विस्थापन में मूलभूत अंतर है। प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है उसकी क्षतिपूर्ति तो कुछ समय के बाद की जा सकती है। लोग प्रकृति की आपदा मिट जाने के बाद पुनः अपने गांवों और घरों में जा बसते हैं। विस्थापन का दर्द तो रहता है, परंतु वे अपने परिवेश से जुड़े रहते हैं। दूसरी तरफ औद्योगीकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसमें मनुष्य अपनी संपत्ति, खेत, खलिहान, अपनी यादों और समूचे परिवेश तक को हमेशा हमेशा के लिए गंवा बैठता है। और अब प्रश्न चौथा, यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका उत्तर है कि यूरोप और भारत की पर्यावरणीय चिंताएं इस प्रकार भिन्न हैं कि यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न केवल मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन बनाए रखने तक सीमित है, लेकिन भारत में पर्यावरण चिंताएं मानव और संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे पारंपरिक संबंधों की व्यापकता से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति पर्यावरण से संबद्ध है, वह नष्ट होता है तो संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। और अब प्रश्न पांचवा, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो उत्तर है, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि शासक वर्ग ने औद्योगीकरण के द्वारा भारत के विकास का मार्ग चुना, पश्चिम की नकल की गई। योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच के नाजुक संबंधों पर ध्यान नहीं दिया गया। और अब छठवां प्रश्न है, औद्योगीकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर है कि औद्योगीकरण ने पर्यावरण का संकट इस तरह पैदा कर दिया क्योंकि उसके लिए किसानों की खेत भूमि से लेकर जंगलों की हरित भूमि तक को उजाड़ दिया गया, यहां तक कि मानव समाज के परिवेश को भी बर्बाद कर दिया गया। इससे पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ और मानवीय त्रासदी जन्मी। तरह तरह के प्रदूषणों ने जीवन को ही खतरे में डाल दिया।
और अब प्रश्न सातवां, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? उत्तर, इसका आशय है प्रकृति और मनुष्य के बीच प्रगाढ़ संबंध होता है, दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता। ख, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है, इसका आशय है प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य छुटकारा पाकर पुनः बस जाता है, औद्योगीकरण के कारण आपदा में आया हुआ मनुष्य दोबारा अपने परिवेश को फिर नहीं पा सकता, वह सदा के लिए वहां से निर्वासित हो जाता है। और अब आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, का है आधुनिक शरणार्थी? तो उत्तर है, इसकी टिप्पणी इस तरह लिखेंगे, कभी देश का बंटवारा होने पर एक देश के लोग दूसरे देश जाने पर शरणार्थी कहलाते थे, औद्योगीकरण ने लोगों को अपना परिवेश त्यागने पर मजबूर किया और ऐसे लोगों को निर्मल वर्मा ने आधुनिक शरणार्थी कहा है। अब खा, औद्योगीकरण की अनिवार्यता, इस पर टिप्पणी है, औद्योगीकरण वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, वह रोजगार भी उपलब्ध कराता है, तेजी से विकास कर पाने का भी वही सबसे बेहतर रास्ता है, इसलिए आधुनिक समय में उसकी अनिवार्यता से हम बच नहीं सकते, परंतु हमें प्रकृति के साथ एक संतुलन भी रखना होगा। गा, प्रकृति मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध, इस पर टिप्पणी है, मनुष्य स्वयं ही प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए प्रकृति और संस्कृति के बीच उसका गहरा संबंध है, प्रकृति मनुष्य का पोषण करती है और संस्कृति मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है, वह अपनी सभ्यता का विकास उसी से जुड़कर करता है, इस तरह तीनों का आपस में एक पारंपरिक संबंध है। अब आते हैं अगले प्रश्न नौवें पर, निम्नलिखित का भाव सौंदर्य लिखिए। क, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, भाव सौंदर्य, यहां पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। धरती को रत्न गर्भा कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत से प्रकार के रत्नों का भंडार भरा हुआ है, खनिज भी रत्न ही हैं, इससे धरती की समृद्धि बढ़ती है, परंतु जब हम ऐसे रत्नों का दोहन भारी मात्रा में करने लगते हैं तब वही समृद्धि हमारे लिए अभिशाप भी बन जाती है, वहां के नगर गांव खेत खलिहान मनुष्य पशु सब उजड़ जाते हैं। ख, अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। उत्तर है, भाव सौंदर्य, यहां पर किताबों की बजाय यादों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, प्राचीन समय के जो भी मिथ हैं वे किताबों में ही रहे आते तो शायद जिंदा नहीं रहते, पर वे लोगों की यादों में बसे हुए हैं, इसलिए वे सदा जीवंत बने रहते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो अटूट रिश्ता है उसका दिखाई न पड़ने वाली लिपि में ही यह सब रचा गया है, यह सब हमारे तीज त्योहारों के माध्यम से अभिव्यक्त भी होता है। और अब हम भाषा शिल्प वाले प्रश्नों को करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला है,
मूक सत्याग्रह, इसका अर्थ है मौन रहकर ही सत्य के प्रति अपना आग्रह प्रकट करना। दूसरा है पवित्र खुलापन, इसका अर्थ है जहां खुलापन तो हो परंतु उसमें कोई कलुष न हो। स्वच्छ मानसलता, इसका अर्थ है जहां दैहिक सौंदर्य तो हो परंतु उसमें भोलेपन का भाव भी हो। औद्योगिकरण का चक्का, इसका अर्थ है चक्का चलता है, प्रगति का वह प्रतीक है, उद्योगों का चक्का चलता है तो औद्योगिकरण की प्रगति होती है। नाजुक संतुलन, इसका अर्थ है कोमल और हार्दिक संबंधों के बीच में संतुलन। प्रश्न दूसरा, इन मुहावरों पर ध्यान दीजिए। पहला है मटिया मेट होना, इसका अर्थ है मिट्टी में मिल जाना। आफत टलना, अर्थ है मुसीबत का चला जाना। ना फटकना, अर्थ है पास में ना आना। प्रश्न तीसरा, किंतु यह भ्रम है डॉट डॉट डूब जाती है, इस गद्यांश को भूतकाल की क्रिया के साथ अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, भूतकाल की क्रिया के साथ अपने शब्दों में इस तरह हम लिखेंगे, किंतु यह भ्रम था, यह बाढ़ नहीं पानी में डूबे हुए धान के खेत थे। हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गांव के भीतर गए थे तो वे औरतें दिखाई दी थीं जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे छप छप पानी में रोप रही थीं। सुंदर सुडौल धूप में चमचमाती काली टांगे और सिरों पर चटाई के किश्ती नुमा हैट जो फोटो या फिल्मों में देखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाती थी। जरा सी आहट पाते ही उन्होंने एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाहों से हमें देखा था, बिल्कुल उन युवा हिरणियों की तरह जिन्हें मैंने कान्हा के वन स्थल में देखा था। किंतु वे भागी नहीं, सिर्फ मुस्कुराती रही और फिर सिर झुकाकर अपने काम में लग गई। तो यह था निर्मल वर्मा जी का जो यात्रा वृत्तांत है, जहां कोई वापसी नहीं, उसके सारांश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जहां कोई वापसी नहीं का सारांश। यह निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है, जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हो रही थी, तब वहां पर रहने वाले लोगों को उस जगह से हटाकर दूसरी जगहों पर बसाया जा रहा था। इससे लोगों को एक भयानक विस्थापन त्रासदी का सामना करना पड़ा और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा। लोकायन नाम की एक संस्था ने अनेक प्रसिद्ध लेखकों और पर्यावरण प्रेमियों को इस तरह की यात्रा कराई थी ताकि वे विस्थापन और उससे होने वाले नुकसान को देख पहचान सकें। निर्मल वर्मा जी भी उस यात्रा में शामिल थे। यात्रा के बाद ही उन्होंने इस वृत्तांत की रचना की है। लेखक इस रचना में विकास के नाम पर की जा रही पर्यावरण हानि की भयावहता को हमारे सामने बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। वे मनुष्य प्रकृति और संस्कृति के आंतरिक और परस्पर संबंधों के बारे में भी संवेदनशीलता के साथ चर्चा करते हैं। इस तरह यह रचना समय के समाज को आगाह करती है कि हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा एक दिन हम अपने ही विकास के माध्यम से विनाश के गर्त में चले जाएंगे। तो यह था निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत, जहां कोई वापसी नहीं का सारांश। अगली बार हम इसी रचना के प्रश्नोत्तर करेंगे।
कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।